सभी का मेरे चैनल इंडियन होम मेकर लाइफ स्टाइल पर स्वागत है। आइए आज हम लोग व्रत की आलू बनाते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से सामान की जरूरत हमें पड़ती है। व्रत के आलू बनाने में किन किन सामानों की हमें आवश्यकता होती है, आइए इसको जान लेते हैं। ये देसी घी है और ये जीरा है, ये पीसी काली मिर्च है, ये हरी मिर्च है और ये सेंधा नमक है। इन सामानों की आवश्यकता हमें होती है व्रत की आलू बनाने में। और ये उबले और कटे हुए आलू की जरूरत होती है। हमने जला लिया है, कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम इसमें डालते हैं देसी घी। देसी घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा डाल देते हैं। जीरा हमारा चटकने लगा है, अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं। जीरा और हरी मिर्च हो गया है, अब हम इसमें आलू डाल देते हैं। और सारा आलू डाल दें, हम इसमें नमक और काली मिर्च ऐड करेंगे। नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, काली मिर्च डाल दी। अब इसको अच्छे से मिक्स करके और हम ढक्कन से ढक देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, खूब अच्छे से चारों तरफ ये मिक्स हो जाए। खूब अच्छे से मिला करके आँच को लो करके और इसको हम ढक देंगे, 2 मिनट के लिए ढक देंगे। आलू हमारा तैयार है, आइए अब इसको सर्व करते हैं। व्रत का आलू तैयार है और खा करके बताइए कैसा बना है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा व्रत की आलू कैसी बनी है। और इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।